उन्होंने कहा सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। तो उन्होंने अपनी किताबों को, न्यूज़पेपर को सब जगह पे रखा, सोचा पढ़ लूंगा, देख लूंगा, कविताएं भी कर लूंगा, वहां पे बीच से अच्छा है, जुहू जाने से अच्छा और चीजें और इंस्पिरेशन क्या मिलेगा। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुंचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्नलोक में विचारते रहे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक दिया। लहर के उस थपेट से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया है या नहीं। उसने कहा कि जैसे ही हम पहुंचे तो हमने बहुत मस्ती की, हमने पानी में भीगना शुरू किया, हमारे साथ और बहुत सारे लोग थे, फैमिलीज आई हुई थी जो पानी में मस्त मस्ती करके एंजॉय कर रहे थे, और एक बहुत बड़ी ऐसी लहर आई और हमारे ऑलमोस्ट हमारे ऊपर से निकल गई, यानी पूरा भिगो के चली गई। तो उन्होंने बड़े फनी वे में कहा था कि उस लहर में ऐसा क्या था पता नहीं जो मेरे पत्नी के सर से टकराया, जो उसने सडनली मेरे को पूछा कि आपको याद है कि आपने बरामदे की जो खिड़की है वो बंद की है या नहीं। मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद ही नहीं पड़ता, अगर वह बंद नहीं हुई और खुली रह गई हो तो क्या होगा। कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बातों से उनकी आंखों में आंसुओं की समुद्र ही बह पड़ी। उनके कांपते होंठ पर ये शब्द थे, अब क्या होगा, मतलब वो बहुत टेंस थी, ऑलमोस्ट रोने जैसी हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि अभी चिंता छोड़ो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, जो होना वो देख लेंगे। सो वो ऑलमोस्ट रो पड़ी कि अरे अब क्या होगा, और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा। तो उसने बोला, अरे सारी खिड़कियां ऐसी खुली रह गई होंगी तो मेरे घर का क्या होगा। यह सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। तो उन्होंने सोचा कि अरे यह सोच सोच के पागल हो रहा था, प्लस मेरे को भी टेंशन दिलवाया, यानी उनकी वाइफ ने उनको भी टेंशन दिलवाया, ये सोच सोच के उनका दिल और भी बैठा जा रहा था। यानी जिस दिल को आराम मिले उस पे ज्यादा जोर ना आए, प्रेशर ना आए, इसके लिए छुट्टी मनाने के लिए आया था, तो यहाँ आके वो तो और 10 गुना तेज हो गया। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार में धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे दुगनी रफ्तार से हम वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी थी, सब ठीक ठाक था। मतलब उन्होंने जिस स्पीड से वो गए थे उससे डबल स्पीड से वापस आ गए, टेंशन न कि घर में कुछ है कि नहीं, सब ठीक है कि नहीं, पर जब आकर देखा तो उन्हें पता चला कि घर में सब ठीक ठाक ही है, सब कुछ प्रॉपर है। मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई है या नहीं, और इसका नतीजा हुआ यह कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई थी। मतलब लेखक को याद ही नहीं था, उसको पता था कि उन्होंने ही लगाई थी, लेकिन लगाकर भूल गए थे, इसके लिए कंफ्यूज हो गए कि लगाई थी या नहीं। लेकिन उसका रिजल्ट ये होगा कि पहले तो उनके खुद के दिल की धड़कन बढ़ गई थी, यानी उनका खुद का दिल बैठा था, अभी इतने टेंशन में उनकी वाइफ को भी ऐसा हार्ट का प्रॉब्लम नहीं, मतलब उनका भी दिल बैठा जा रहा था। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग, साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। मतलब उसने ये भी सोचा था कि पूर्ण विश्राम, पूर्ण रोग निरोग ऐसा कुछ होता नहीं है, जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है। पूर्ण मतलब क्या, यहाँ पे उन्होंने इस संकट से बोला कि पूर्ण विश्राम तभी मर जाता है जब कोई इंसान मर जाता है, क्योंकि जब तक वो जिंदा है कुछ ना कुछ चीजें आती ही रहती है, जिसकी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाती है चीजें, तो फुल्ली आराम कभी नहीं मिलता। तो इसके लिए वो बोलते हैं कि जिस भी शब्द के आगे पूर्ण लगता है तो वो थोड़ा भयानक ही होता है, क्योंकि नॉर्मल डेज में तो ये ऐसा प्लस माइनस होते रहता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये इसके शब्द वाटिका और ये टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस सॉल्व करके आपको भेजनी है आज के आज। एंड इफ एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो।